अच्छा, अगले स्टॉक्स में एक तो तीन दो रेड रखे हैं। खबरें लॉजिकली सब मानते हैं अच्छी हैं, पर मैं रेड में लेके चलता हूँ। पहला है टोरेंट फार्मा। इनकी एक ओरल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है जिसपे एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था USFDA का, US की जांच एजेंसी का। फॉर्म 483 जारी हुआ, एक ऑब्जर्वेशन सामने आया, एक आपत्ति आई है उस गुजरात की फैसिलिटी को लेकर। कंपनी कह रही है एक स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में जो समय दिया गया उसमें हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, पर मैंने रेड रखा। ऐसे ही ब्लिस GVS फार्मा, यहाँ पे भी आपत्तियां सामने आई। इनके पालघर मैनुफैक्चर, पालघर मतलब मुंबई कह लीजिए, मुंबई के करीब, मुंबई में अब पालघर में एक जांच हुई थी इनकी फैसिलिटी पर, तो उसमें भी फॉर्म 483 USFDA ने जारी करा। तीन ऑब्जर्वेशन, तीन आपत्तियां सामने। अब वो कह रहे हैं तीन माइनर ऑब्जर्वेशन हैं, लार्जली प्रोसीजरल है नेचर में, हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे और समय सीमा के साथ शायद अप्रूवल्स मिल जाएंगे। अब बेसिकली कहने वाली बात होती है कि ऑब्जर्वेशन आए, आपत्तियां आई हैं, लेकिन हल्के फुल्के हैं, वो दाग अच्छे हैं, वैसी वाली बात है ये। मैंने रेड रख दिया क्योंकि दोनों आपत्तियां सामने आई हैं, मार्केट का मूड माहौल भी थोड़ा ऐसे ही है। और गोदावरी पावर एंड इस्पात, ये हालांकि फ्राइडे को मैं देख रहा था, पता था सबको शायद बोर्ड मीट है, बढ़िया मूव बनने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी, तो 3.5% उछल चुका है, लेकिन बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट ठीक है, बायबैक को मंजूरी दी है, 250 करोड़ रुपए का बायबैक होगा, 50 लाख शेयर्स यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 3.66%, तो अच्छा खासा चंक होगा, 500 रुपए पर शेयर में टेंडर रूट के जरिए, तो सब कुछ ठीक, चेकबॉक्स टिक हो रहा है। 388 का मौजूदा भाव है, 387 का, इसको मैं अभी भी ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन फ्राइडे को अच्छे मूव्स ऑलरेडी बने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले तीन स्टॉक आईटी के हैं, TCS, इन्फोसिस और LTI, और मुझे लगता है कि इसमें भी एक दबाव आपको देखने को मिले क्योंकि आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ेगा, और अभी फेड का मूव क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि लोग अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक कर सकता है फेड, लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम दिख रहे हैं वो एक और कंसर्न कर रहे हैं। लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सब लोग अपनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, एक हफ्ते वाला स्वैप एक दिन के लिए कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक और सरकारें लग गई फिर से लिक्विडिटी डालने में, तो फिर से रिस्क खड़ा हो गया इन्फ्लेशन का। इसलिए मुझे लगता है सेफर साइड लेते हुए 25 बेसिस पॉइंट की हाइक कर सकता है फेड, तो उसका इम्पैक्ट अगेन आपको इक्विटी मार्केट में खासतौर पर आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। हालांकि लास्ट वीक में अकेले नैसडैक 5.5% से ऊपर चला है और तमाम स्टॉक्स में खूब बढ़िया वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली आईटी में, जबकि पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसका असर डेफिनेटली परसिस्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आईटी भी तीन रेड में हो सकते हैं, TCS, इन्फोसिस और LTI। और TCS में तो खैर मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, तो वो भी एक मुश्किल यहाँ पर रहेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आगे फिर अगले चार चार स्टॉक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।